के साथ कर देने से कुछ होगा तो नहीं ना? इस उम्र में तो फोन देना बहुत फायदेमंद होता है। आप मेरे साथ हैं? जी। तो मर गया डॉक्टर फैसल? डॉक्टर फैसल, एक बंदा हॉस्पिटल में खून देने के लिए आया और किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो कैसे मर गया। डॉक्टर साहब, आप अपने रिकॉर्ड की फिक्र, नाम तो आपका भी शामिल है सब कुछ। मैं तुम दोनों को अपने अस्पताल में काम करने नहीं दूंगा। ये तो सरासर ज्यादती है। बस तीन बोतलें चाहिए, एक बोतल मैंने दे दिए, एक आप दे रहे हो और एक मेरा दोस्त आ रहा तो वो दे रहे। तुम्हारे भाई तो दुबई में है ना? हाँ यार, तभी तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं यार। एक मिनट। हाँ सर, कहाँ पर हो? अच्छा, ठीक है, काम को तुम 5 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ, सब खैरियत है? यार वो मेरा दोस्त अतर आ गया, मैं उसको बाइक पे लेने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो प्लीज यार, डॉक्टर के पास जाओ, उनको कहो कि तुम बेड नंबर 11 वाले के लिए ब्लड देने आए। प्लीज यार। ठीक है। टेस्ट के लिए पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके लैब भिजवा दें ताकि शाम तक रिपोर्ट्स मिल जाए। ओके सर। डॉक्टर साहब, मैं ब्लड देने आया। ब्लड देने आए थे, ब्लड डोनेट करने आए थे? जी, वो बेड नंबर 11 पर जो पेशेंट है। अरे हाँ हाँ, मैंने उन्हें ब्लड अरेंज करने के लिए कहा था। वैसे डॉक्टर साहब, ब्लड देने से कुछ होगा तो नहीं ना? आप तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डर लग रहे हैं, एक बोतल खून देने से तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बल्कि इस उम्र में तो खून देना बहुत फायदेमंद होता है, जिस्म में खून बनने का अमल तेज हो जाता है। बात समझ में आई? जी। पिछले 12 घंटों में आपने कोई मेडिसिन यूज की थी? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इसकी क्या जरूरत, मैं बिल्कुल फिट हूँ। निगत, बाकी सैंपल्स के साथ इनका भी सैंपल ले लीजिए और लैब भिजवा दें HB के लिए। वैसे मेरा ख्याल है कि जरूरत तो नहीं है। अच्छा, ये फाइल डॉक्टर लैब में। ठीक है सर, चलिए आप। थैंक यू। पेशेंट नंबर 9 की फाइल डॉक्टर फैसल ने भिजवाई है। बेड नंबर 9 पे जो पेशेंट है उन्हें डिस्चार्ज करें और उनका जो भी प्रोसेस है कंप्लीट करवा दें। ठीक है, आप यहीं ठहरिए। आप मेरे साथ आइए। जी। अरे ये क्या हुआ? तो मर गया डॉक्टर फैसल? डॉक्टर फैसल, एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और यहां से तमाम एविडेंस इकट्ठे करो। आप तो आइए मेरे साथ। एक बंदा हॉस्पिटल में खून देने के लिए आया और किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो कैसे मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आज हॉस्पिटल में मैंने एक आदमी को स्टाफ यूनिफॉर्म में देखा, लेकिन फिर दोबारा वो नजर नहीं आया। कौन था वो? उसका हुलिया क्या था? उसे मैंने पहले कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ अगर दोबारा देखूंगी तो जरूर पहचान जाऊंगी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए ऑफिसर, फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मुझे इतना पता है कि जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे नर्स के साथ ब्लड सैंपलिंग के लिए भेज दिया। अच्छा,
तो फिर आप बताइए उसे ऐसी कौन सी दवा दे दी कि वो फौरन ही खत्म हो गया। ऑफिसर ये हमारी बहुत पुरानी और जिम्मेदार स्टाफ है और इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब आप अपने रिकॉर्ड की फिक्र, नाम तो आपका भी शामिल है तफ्तीश होगा। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात गौर से सुनिए, मैं इन लोगों को पिछले कई सालों से जानता हूँ, ये यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं इस केस के बारे में तो ये आपके साथ काउंट है, लेकिन प्लीज इन पर शक मत कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ। देख लें हमदानी साहब, ये आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन का मसला है, अब आप इनकी गारंटी ले रहे हैं तो ठीक है, मैं इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता पुलिस की नजर रहेगी इन सब पर। मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरे हॉस्पिटल का अगर कोई बंदा भी इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो मेरे हॉस्पिटल के साथ पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इनकी गारंटी लेता हूँ कि ये लोग बेकसूर हैं। इसका फैसला तो अब वक्त ही करेगा, वैसे मैंने यहाँ पर एक दो जगह सीसीटीवी कैमरे देखे हैं। दरअसल उस सिस्टम में दो हफ्ते से प्रॉब्लम आ रही है और वो कैमरे तो अब भी काम नहीं कर रहे, इंशाल्लाह एक दो हफ्ते में काम करने लगे। बहुत अच्छी, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं आप और आपका सिक्योरिटी सिस्टम दो हफ्ते से खराब पड़ा है, बहुत अच्छी। ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे जब वो लड़का यहाँ आया था तो क्या अकेला आया था, उसके साथ कोई भी नहीं था? मामूली आदमी नहीं था, बॉडी बिल्डर चैंपियन था पिछले 3 साल से, और मीडिया वाले और उसके लवाकीन मेरे हॉस्पिटल की साख पर एक निशान सा लगा थे। अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो ये मीडिया वाले मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो ये बात उन्हें कौन समझाएगा? देखिए जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती और पुलिस किसी मकाम तक नहीं पहुंच जाती तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों हॉस्पिटल में आए। लेकिन सर इसमें हमारा कसूर क्या है? कसूर सिर्फ तुम दोनों का यह है कि तुम दोनों तफ्तीश में शामिल, और जब तक मामला हल नहीं हो जाता मैं तुम दोनों को अपने अस्पताल में काम करने नहीं दूंगा। सर यह तो सरासर ज्यादती है। ये बताइए कि कौनैन की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? मेरा मतलब है कि आप लोगों को किसी पर कोई शक तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा तो बहुत मिलनसार था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब वो बहुत नेक बच्चा था। इंस्पेक्टर साहब आप अस्पताल के लोगों को गिरफ्तार करके तफ्तीश क्यों नहीं करते? मुझे पक्का यकीन है कोनैन भाई को इनमें से किसी ने कत्ल किया है। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे, फिलहाल तो हमें ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही, और कोनैन की मौत से उनका क्या फायदा हो सकता है? इसमें फायदा और नुकसान की क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब मुझे पूरा यकीन है, इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे की मौत अस्पताल के हमले की वजह से हुई है, उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। प्लीज आप उन्हें शामिल तफ्तीश कीजिए ना। आप तसल्ली से मेरी बात सुने, कोनैन का कत्ल हुआ भी है या नहीं इसका फैसला तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करेगी। आप लोग तसल्ली से घर जाएं और सब्र करें और हमें हमारा काम करने दें। मैं यकीन से नहीं कह सकता लेकिन बजायर उसकी मौत का सबब दिल की धड़कन रुक जाना ही लग रही है।
यानी आपका मतलब है कि ये मर्डर नहीं है? देखिए अभी कुछ भी कहना कबलत वक्त है जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए। इंस्पेक्टर साहब, बॉडी के बाजू पर एक निशान मिला है जैसे किसी ने उसे इंजेक्शन दिया हो, और इसके खून में भी कोई ऐसा केमिकल नहीं मिला जिससे मौत वाकई हो सके, और ना ही इसके मैदे में कोई केमिकल नजर आ रहा है। कबलत वक्त कुछ भी नहीं कह सकता कि मौत किस तरह वाकई हुई है। गर्दन और जिस्म पर कोई वाजे निशान नहीं है जिससे पता चले कि इसका गला घोंट के इसको कत्ल किया गया है। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन बजायर उसकी मौत का सबब दिल की धड़कन रुक जाना ही लग रही है। यानी आपका मतलब है कि ये मर्डर नहीं है? देखिए अभी कुछ भी कहना कबलत वक्त है जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए। यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी ये देखना बाकी है कि क्या वजह बनी कि उसका दिल की धड़कन रुक गई। अभी हम उसका सीटी करवा रहे हैं, हो सकता है उसे इतना ज्यादा डराया गया हो कि उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। डॉक्टर साहब, ऐसा तो वही कर सकता है कि जिसे मालूम हो कि मक्तूल को किस चीज से डर लगता था, यानी कोई करीबी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी कहना कबलत वक्त होगा। मेरे ख्याल से कम अज कम एक महीना लगेगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती और पुलिस किसी मकाम तक नहीं पहुंचा, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों हॉस्पिटल में। मैडम, वो दो नंबर बेड की ड्रिप खत्म हो गई। ठीक है, जाके निकाल दो। जी डॉक्टर लाहबा, कैसी हैं आप? क्या बताऊं सर, आपके ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब भी किसी केस में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप मेरी हेल्प करते थे। आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन सर पिछले कई केसेस में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अरे तो आप मुझे कॉल कर सकती थी। मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ तो क्या हुआ? आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू। You can call me anytime. Thank you, sir. Thank you so much. अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हॉस्पिटल वापस नहीं आ जाता, आपको किसी भी केस में मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सर, लेकिन आप लोगों की बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं समझ सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आखिर मेरे बेटे के कातिल कब पकड़े जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। आराम से बड़े साहब, आराम से। ये थाना है, आपके घर की छत नहीं जो इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं। और जहां तक है बात आपके बेटे के कातिल की, उसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अच्छा, इसका मतलब है आप जब तक कुछ भी नहीं करेंगे, आप कम से कम अस्पताल के अमले को तो गिरफ्तार कर सकते हैं।
उनको पकड़े उनसे पूछगछ करे। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो इसमें मुलव्वस है। बड़े साहब हल्के हो जाओ, और हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं। जहां तक ये बात पूछगछ की तो हम पहले ही कर चुके हैं, और अभी तफ्तीश चल रही है। आप आराम से घर जाएं, जैसे ही आपके बेटे के कातिल का पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। छोड़ें अब्बू, कोई फायदा नहीं है इनसे बहस करने का, अब हमें मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। आखिर मेरा भाई डोमेस्टिक चैंपियन था। चलें यहाँ से। सर, बहुत टाइम हो गया मुझे घर बैठे हुए, और अब तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि वो एक्सपायर कैसे हुआ था। मुझे लग रहा है कि मुझे कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। एक हॉस्पिटल में बात चल रही है मेरी, अगर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया तो कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए भी जॉब की बात कर सकूँ। पर सर, जिस तरह मीडिया हमें इस बात का कसूरवार ठहरा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी। मीडिया वाले कुछ भी कहते हैं, जो लोग हमें जानते हैं वो आज भी हम पर भरोसा करते हैं। टेंशन मत। और फिर जब हमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है तो ऊपर वाला हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर ऐसा ही हो, पर टेंशन बहुत है। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बेटा फिक्र मत करो, बस हॉस्पिटल पहुंच जाए, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे बहुत शक्कर आ रहा है भाई। भाई बात सुन, इसे बहुत ज्यादा तकलीफ है, कहाँ लेके जाए इसे? मेहरबानी भाई, मेहरबानी। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब, इसे मुसलसल उल्टियाँ हो रही हैं, और घर से लेकर यहाँ तक पूरे रास्ते इसे मतली और के होती रही है। कुछ उल्टा सीधा खाया था? इसका तो मुझे पता नहीं है डॉक्टर साहब। लंबी सांसें ले। तुम एक काम करो, इन्हें ग्रेविनेट का इंजेक्शन लगा लो, ठीक है? और दो टेबलेट्स बाद में दे देना। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, बस थोड़ी सी मछली और के है, सेट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बताइए कुछ पता चला? जी जी, उसी के लिए मैं आपको कॉल किया है। अरे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। क्या आपने कॉल कर, वरना तो रिपोर्ट आने आने में ही दो दिन ज़ाया हो जाते हैं। अब जल्दी से बता देंगे क्या पता चला। देखिए, नतीजे पहुँचना तो आप लोगों का काम है, मैं खाली कॉज ऑफ डेथ बता सकता हूँ। जी जी बताइए। एयर एम्बोलिज्म, ही इज फाउंड वेरी एब्रेंट गैस विद इन सुप्रा आर्टरिक ट्रंक्स। अरे डॉक्टर साहब, आसान लफ्जों में बता दें कि रिपोर्ट क्या है, आप तो मुझे पूरी कहानी पढ़कर सुना रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आसान लफ्जों में यूं कहूँगा कि वैन में एयर गैप आने की वजह से इनकी दिल की धड़कन मुतासिर हुई, और यही वजह उनकी मौत का सबब बनी। ओह अच्छा अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि कौन है उनको कत्ल किया गया, और इसमें अस्पताल का अमला भी मुलव्वस हो सकता है। देखिए, फैसला करना आप लोगों का काम है, मैंने फाइनल रिपोर्ट पढ़कर आपको बता दी। जी डॉक्टर साहब, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हैवी डोज की वजह से ये सब हुआ। किसने कहा था ओवर डोज ले? किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। जी आप ठीक कह रहे हैं।
यार वो आज परवेज नहीं आया? नहीं, वो तो कल भी नहीं आया था। क्यों, क्या हुआ? अबे तुम्हें मालूम नहीं है, उसने तो कोई गलत मास बूस्टर खा लिया था, वो तो हॉस्पिटल में, उसको उल्टियाँ हो रही थी। क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में? हाँ अभी भी हॉस्पिटल में। तुम बता सकते हो कौन से हॉस्पिटल में? कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। वैसे डॉक्टर साहब, मैं डिस्चार्ज कब तक हो जाऊंगा? आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा ये बताइए, अब तो लोकल फूड सप्लीमेंट्स नहीं खाएंगे? अरे नहीं, वो लोकल फूड सप्लीमेंट नहीं था, इनफैक्ट मैंने बहुत महंगा खरीदा था। पूरे 2.5 लाख का पैकेज था, पता नहीं इसने किस तरह पैसे जमा करके वो खरीद लिया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शायद हैवी डोज की वजह से ऐसा हुआ। किसने कहा था ओवरडोज ले? किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। जी आप ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख कर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? सॉरी मैडम, मैं जल्दी आऊंगा। बेटा तुम ऐसा करो कि अपने दोस्त के पास बैठो, मैं कैंटीन से होके आता हूं, ठीक है? अच्छा अपना ख्याल रखिएगा। जी शुक्रिया। अबे तू क्या क्या कर रहा है, पागल हो गया? तू खुद तो फंसेगा, फंसेगा साथ में मुझे भी फंसाएगा। अगर मैं फंसा ना तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे कहने पे मैंने ये सब कुछ किया था, बस तू ये मुझे बता मुझे पैसे कब दे रहा है? अबे पैसे भी ले लियो, मर क्यों रहा है? मरते मरते तो तू बचा है, मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे चाहिए। मैं तुझे नहीं दूंगा पैसे, तू अभी जा। हाँ बहुत जल्दी है क्या? पकड़ो इसे। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। गाड़ी में डालो इसको। साहब इसके एक साथी ऊपर भी है। आइए मेरे साथ। सर 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 आखिर आप लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कर, तू सब जानता है कि हम तुझे कहाँ ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा तो कल से इस अस्पताल में दाखिल है। अच्छा आपको पता चलेगा ना कि क्या किया आपके बेटे ने तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कत्ल करवाया इसने। क्या ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा किसी का कत्ल नहीं करवा सकता, ये झूठ है। आप हमारे साथ थाने चलिए, सब पता चल जाएगा। लेके चलो इसको। बात सर, बात तो सुने इंस्पेक्टर साहब। हाँ भाई पहले तू बता के क्या हुआ था उसके।
आप मेरे साथ आइए। जी यार, सुई लगाने से बहुत तकलीफ होती है ना। अरे नहीं नहीं, आजकल तो बच्चे लगवा लेते हैं, आप तो फिर भी बड़े हैं। हाँ लेकिन प्लीज आराम से। आप बेफिक्र रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। बहुत दर्द हो रहा है यार। बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, घबराएं नहीं आप, ज्यादा घबराएं नहीं। अरे आप बैठे रहे आराम से, घबराएं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सर वो मुझे बाद में पता चला कि कौनैन तो मर गया था। ये बताओ उसे मारा क्यों? सर सर इसके कहने पे, सर मैं तो बहुत मजबूर था सर, सर मैं बहुत गरीब हूँ सर, मैं क्लिनिक में कंपाउंडर की जॉब करता हूँ सर, मेरी 2 साल की छोटी बच्ची है सर, उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर। अबे अपनी बच्ची के लिए किसी की भी जान ले लेगा क्या? पिछले 3 सालों से तू मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हुआ हमेशा ही तो अपने मकसद में नाकाम हो जाता। छोड़ दे ये पागलपन, क्यों अपने माँ बाप के पैसे जाया करने पर तुलावा है? हाँ मैं तो कहता हूँ अपने बाप के पैसे जाया मत कर यार। चल भाई अब तू बता तेरी क्या दुश्मनी थी उससे? सर पिछले 3 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग डोमेस्टिक चैंपियन बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन हर बार कौनैन बाजी ले जाता। अब्बू को मेरे शौक से सख्त नफरत थी, क्योंकि इसमें मैंने इनके काफी पैसे खर्च कर दिए थे। ये बताओ उसे मरवाया क्यों? बोल। सर मैंने अब्बू से कहा था कि अगर इस बार मैं चैंपियन नहीं बना तो मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा, और मुझे अंदाजा हो गया था कि कौनैन के जिंदा रहते हुए मेरे ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। और फिर इस बार तेरी फिजिक देखकर लगता नहीं कि तू इस बार भी कंपटीशन जीत जाएगा। पिछले 3 सालों से तू मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हुआ हमेशा ही तो अपने मकसद में नाकाम हो जाता। छोड़ दे ये पागलपन, क्यों अपने माँ बाप के पैसे जाया करने पर तुलावा है? हाँ मैं तो कहता हूँ अपने बाप के पैसे जाया मत कर यार। गरूर खुदा को नापसंद है, और देख लेना इस बार तेरा गरूर जरूर टूटेगा। बात गरूर की नहीं, बात खुद पर यकीन की है। मैं जो फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करता हूँ ना, वो तेरे खरीदने के बस की बात नहीं है, और ना तेरे बुत तुझे इतना पैसा देने वाले। इस बात की टेंशन तू ना ले, पैसों का निजाम कर लिया, और इस बार मैं तुझे हर कीमत पर हराऊंगा, देख लेना। तो देख ले, लेट्स सी। और फिर एक दिन मुझे अपने ख्वाब को ताबीर देने का मौका मिल गया।
यार परवेज यार बात सुन यार। अबे क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों है यार? भाभी का ऑपरेशन है, उसके लिए खून की बोतल चाहिए। चलना यार एक बोतल दे दो। अरे पागल है क्या, मैं भी देता हूँ। तेरी भाभी है तो कुत्ते यार, मैं देकर ही आ रहा हूँ, लेकिन तीन बोतलें चाहिए। मैं भी नहीं दूँ, वैसे भी अगले महीने चैंपियनशिप है और तुम्हारा खून देने के चक्कर में मुझे कमजोरी वगैरह हो गई तो मेरी सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। कोई काम कर, कौन से ले। चल भाई मैं भी नहीं दे रहा हूँ, मुझे इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है। कैसे दोस्तों यार तुम लोग, ऐसे वक्त पे तो गैर भी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और तुम लोग दोस्तों। यार शाहिद मैं जरूर देता हूँ, यकीन मान मुझे बहुत डर लगता है खून देने से। अबे तीन बार चैंपियनशिप जीत चुका है तू, एक छोटे से इंजेक्शन से डरता है? अगर ये बात मैंने किसी को बता दी ना तो तेरा रिकॉर्ड लग जाएगा। अब इतना भी डर नहीं लगता है, ऐसी बात भी नहीं है, वो कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया ना बस इसलिए। अबे बचपन में तो सबने ही लगाया होता है, छोटे हो तो सबको इंजेक्शन लगता है, मुझे भी लगा होगा। अबे होश में नहीं लगवाया यार। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, एमरजेंसी है। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह मान। वैसे कौन सा हॉस्पिटल है? फरमान, परवेज बात कर रहा हूँ। वो बिल्डर? हाँ हाँ वही। तुम्हें याद है एक दफ़ा तुमने मुझसे कहा था कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था और आज भी वही कहूँगा। मुझे अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है भाई, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ये क्या कह रहे हो? देखो अगर तुम्हें अपनी बच्ची की जान बचानी है तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपये दूंगा। काम क्या है? अब मुझे ये बता कि वो ये काम कर सकता है या नहीं। ठीक है मगर पैसे कब मिलेंगे? पैसों की टेंशन मत ले, वो मैं तुझे आज ही दे दूंगा, बस तूने मेरा काम पूरा कर। हाँ हाँ काम हो जाएगा। मैंने फरमान को कॉनन की इंजेक्शन वाली कमजोरी का बता दिया और फिर फरमान ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसको सुन के मैं खुद हैरान रह गया। बाकी की कहानी हमें मालूम है बेटा, लेके जाओ इनको, लॉकअप में बंद करो। सर मेरी कोई गलती नहीं सर। बड़ा आया चैंपियन। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को उस जुर्म का सजावार समझा गया जिससे आपका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाखूबी मेरी मजबूरी को समझते होंगे। जो हो गया सो हो गया सर, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो सच था सामने आ गया। सर झूठ चाहे कितना ही जामे और शातराना क्यों ना हो, सच को सामने आने से नहीं रोक सकता। मुझे यकीन था कि जब हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं तो अल्लाह हमारे साथ भी ज्यादती नहीं होने देगा। तो फिर ठीक है ना, कल से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? यस सर। जी सर। यस सर, थैंक यू। चलिए सर कल से फिर काम स्टार्ट करते हैं। कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? बिल्कुल बैक टू वर्क। यस सर। आइए।
है।